तो आज हम सेकंड पार्ट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईओक्यू विल डिस्कस सेटिंग ऑफ वेरियस लेबल्स लाइक रीऑर्डरिंग लेबल, मिनिमम लेबल, मैक्सिमम लेबल एटसेट्रा. तो कल हमने फाइंड आउट किया था कि ऑर्डर क्वांटिटी हम क्या करें, कितना ऑर्डर करें ताकि अपना कॉस्ट सबसे मिनिमम हो, बिकॉज देयर इज अ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, देयर इज कंट्रोल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये सबको मिनिमम ऑब्जेक्टिव था कल हमारा. तो फिर बात हुआ कि सर अपने ऑर्डर तो कर ले बट कितना मेंटेन करें, तो उसके लिए ना एक लेबल्स आर बीइंग सेट कि सर कम से कम अपना टोटल क्वांटिटी इन यूनिट्स फॉर रॉ मेटेरियल शुड नॉट बी लेस देन मिनिमम लेबल. मतलब हमेशा इससे नीचे हम जाएंगे एक लेबल सेट करके रखा कि सर इतना होना चाहिए. फिर एक लेबल अपना आरओएल रीऑर्डरिंग लेवल, मतलब जैसे ही क्वांटिटी उस जगह पे पहुंच जाए अपने क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे. तो ऐसा समझो कि एक कंटेनर और जहां पर सारा सर अपना यूनिट्स है, रॉ मटेरियल है. तो जैसे एक लेबल पहुंचे सर रीऑर्डरिंग लेवल, तो हम यहां क्या करेंगे, फ्रेश ऑर्डर प्लेस करेंगे. साथ साथ मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, साथ साथ तब मिलेगा जब जस्ट इन टाइम हो, वेयर द लीड टाइम जीरो. लीड टाइम मतलब सर मैंने कई नोट्स में लिखा भी है, हाँ, टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग दी स्टॉक इज नोन एज लीड टाइम. मैंने जब हमने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस तो कर दिया बट आने में टाइम लग गया, तो अगर सर अपना लीड टाइम अगर जीरो रहा तो साथ साथ मिल जाएगा, हमने ऑर्डर किया और साथ में मिल जाए, तब तो फिर हमको लेवल बनाना ही नहीं है. कम से कम स्टॉक रखेंगे, जितना जरूरत पड़ेगा उतना हम मंगवाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है जनरली. सो अपना प्रोडक्शन स्टॉप नहीं हो जाए इसलिए हम कम से कम मिनिमम लेवल हमेशा रखते. तो रीऑर्डरिंग लेवल जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तब भी कंजम्पशन होता रहेगा, तब भी प्रोडक्शन को पास ऑन होता रहेगा, मतलब कुछ आने में टाइम लगेगा, और जब वो आएगा और कुछ नीचे चल जाएगा उसके बाद वापस क्या होगा, ये लेवल पूरा हाइएस्ट हो जाएगा, दैट लेवल वुड बी कॉल्ड एज मैक्सिमम. तो हमें आइडेंटिफाई करने के सर कौन सा लेवल रीऑर्डरिंग लेवल है जहां की हम क्या प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, कितना आरओ की और ईओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी. रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना होना चाहिए सर, जो बेस्ट होना चाहिए, दैट वुड बी ईओ क्यू. फिर इसके नीचे एक और लेवल है डेंजर लेवल, सेफ्टी स्टॉक भी है, एवरेज स्टॉक भी है. एवरेज स्टॉक तो बड़ा सिंपल है सर, अपने को उसमें करना नहीं है. एवरेज वुड बी मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय टू. डेंजर लेवल क्या है सर, मिनिमम से नीचे, करेक्ट. हाँ, मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ गया जहां कि हम नॉर्मल प्रोडक्शन स्टॉप कर रहे हैं. नहीं नहीं, नो प्रोडक्शन नहीं, नॉर्मल प्रोडक्शन जो हम नॉर्मली कर रहे थे रेगुलरली हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट में एकदम स्केयरसिटी ऑफ मटेरियल है, मिलने वाला नहीं है. बट हाँ, जो इमरजेंसी सप्लायर्स है, इमरजेंसी ऑर्डर्स है, पहले से ऑर्डर लिया हुआ है, उनका सिर्फ प्रोडक्शन कंटिन्यू करें. तो डेंजर लेवल इज जहां की नॉर्मल प्रोडक्शन इज स्टॉप, पूरा प्रोडक्शन स्टॉप नहीं हो, कम इश्यू करेंगे, बहुत कम, क्योंकि मार्केट में मुझे नॉर्मली मिलेगा नहीं, अवेलेबल नहीं. सेफ्टी स्टॉक क्या है, सेफ्टी स्टॉक भी मिनिमम लेवल से नीचे, ऐसा सोचो. और वो मिनिमम लेवल से नीचे नहीं, हम जितना लेवल आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. नहीं, मैं क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक क्या है, हमेशा अलग से हमेशा रहना चाहिए. सेफ्टी स्टॉक तुम बोल सकते हो सर एक्स्ट्रा स्टॉक, हाँ, कि मेरे को एक्स्ट्रा डिमांड आ जाए ना. जनरली ये ट्रेडिंग बिजनेस में होता है कि सप्लाई से ज्यादा डिमांड, मेरे को डिमांड ज्यादा हो जाए मेरा जितना स्टॉक है, तो स्टॉक आउट सिचुएशन नहीं हो जाए. स्टॉक आउट मीन्स ना नॉट अगेन जीरो, मैं कस्टमर ना आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं, मैं कस्टमर का डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाऊं. सपोज मैं 10 मेंटेन कर रहा हूं, वो मुझसे 12 मांगने आ रहा है, दैट मीन्स 2 यूनिट्स का क्या हो गया, स्टॉक आउट सिचुएशन. मैं 10 तो दे ही सकता हूं बट 2 के लिए वो क्या करेगा, वापस जाएगा. तो मैं सोच रहा हूं नॉर्मली हमेशा 10 है, मैं एक सेफ्टी स्टॉक भी साथ में मेंटेन करूं 2, तो फिर 10 वाला तो हमेशा रिटर्न नहीं जाए, बट कोई हाँ ऐसे कस्टमर भी आ जाए जो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, मैं उनको भी दे पाऊं. तो सेफ्टी स्टॉक इज व्हाट, एक्स्ट्रा स्टॉक टू मैनेज आउट ऑफ स्टॉक और स्टॉक आउट सिचुएशन.
स्टॉक आउट का मतलब नील नहीं, स्टॉक आउट का मतलब हाँ मोर देन नॉर्मल डिमांड, जहां हम कस्टमर को दे नहीं। ठीक, तो फिर से हम लोग फॉर्मूला में जाते हैं। तो सबसे पहले रीऑर्डर लेबल, जैसे बात हुआ सर, इट इज द लेबल एट विच फ्रेश ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ स्टॉक। दिस लेवल लाइज बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम लेबल्स इन सच अ वे दैट बिफोर द मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इनटू द स्टोर्स एंड देयर इज सफिशिएंट क्वांटिटी ऑन हैंड टू कवर बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंजम्पशन सिचुएशन। तो मैंने कहा कि हम ऑर्डर देंगे तो यहां पर से अपना इश्यू होता रहेगा प्रोडक्शन को, ये और थोड़ा नीचे चल जाएगा। मैं मिनिमम लेवल पे जाके ऑर्डर करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड है बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसीविंग द गुड्स। ऐसा होगा अगर टाइम पीरियड ज्यादा हो गया तो स्टॉक क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है सर, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूसेज लीड टाइम। रीऑर्डर पीरियड मीन्स लीड टाइम, दैट मीन्स अगर मेरा मैक्सिमम लीड टाइम सपोज एग्जाम्पल 8 डेज का है और जनरली मेरे को 3 डेज में मिनिमम डिलीवरी हो जाता है, तो अगर वो 8 डेज लगा दे तो मेरे को ऐसे पॉइंट पे ऑर्डर करना है ताकि 8 डेज बाद भी मिले तो मेरा प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। तो सर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इनटू मैक्सिमम यूसेज, फिर मेरा क्या होता है यूसेज, एक नॉर्मल यूसेज, एक हाई कंजम्पशन, एक लो कंजम्पशन। तो अगर ऐसा सिचुएशन आए जहां की मैं कंजम्पशन भी ज्यादा कर रहा हूं और वो ज्यादा टाइम भी लगा रहा है देने में, तो वो सिचुएशन सोच के मेरा ऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, तो जब तक गुड्स मेरे पास आए मेरे पास सफिशियंट क्वांटिटी होना चाहिए, तो मैं कैसा लेवल पे ऑर्डर करूं ताकि मैक्सिमम यूसेज हो और वो मैक्सिमम टाइम भी लगा देने में, तब भी मेरा प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। तो प्लीज राइट डाउन जो लिखा है, फिर मैं सेकंड फॉर्मूला में जाऊंगा और जो लिखा है दिख रहा है तुम लोग को ना। तो फॉर्मूला इज आर वाल इज इक्वल टू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और वी कैन से मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूसेज, और अपने बोल सकते हैं अदर फॉर्मूला मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। दैट मीन्स सर मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो यहां से पहुंच के वापस हम कहां पहुंचे, तो आर ओ एल में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे और जैसे मिनिमम लेवल, मैंने बोला कि मिनिमम लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए जनरली, फिर गुड्स आ जाएगा तो फिर हम कहां पहुंच जाएंगे, समवेयर मैक्सिमम लेवल। पूरा फील हो गया कंटेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो अपने ले सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स सेफ्टी स्टॉक इज आल्सो कॉल्ड मिनिमम लेवल। सो और लिखो सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, एंड व्हाट इज लीड टाइम इज गिवन, टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग द स्टॉक। तुम्हें जो कल क्वेश्चन दिया गया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हम पहला निकालेंगे रीऑर्डरिंग लेबल। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया जरा पढ़ना, वो टू कंपोनेंट्स आकाश एंड विकास, सो ए एंड बी, ठीक है, नॉर्मल यूसेज दिया हुआ, मैक्सिमम यूसेज दिया, मिनिमम यूसेज दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी इज गिवन, मतलब आदो की उसे दिया हुआ है, निकालना नहीं है अपने को। रीऑर्डर पीरियड ए का 4 to 6 weeks, मतलब ये सारे वीक्स में है, 4 weeks मतलब मिनिमम इज 4, मैक्सिमम इज 6। सिमिलरली विकास का मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 4। कैलकुलेट रीऑर्डरिंग लेबल, तो कंप्यूट करो रीऑर्डरिंग लेबल सर, मैक्सिमम यूसेज पर वीक इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम 450 and 300 आ रहा है। सो रीऑर्डरिंग लेबल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज कितना है, ए का 75 units एंड 6, एंड इसका भी 75 ही है सर, इंटू 4 कितना रहा, 300 units। सर नेक्स्ट पार्ट मिनिमम लेबल, जब अपने रीऑर्डरिंग लेबल निकाले थे सर, वहां पर एक पॉइंट था मिनिमम लेबल नहीं, तो आर ओ एल इज इक्वल टू मिनिमम लेबल प्लस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीज टाइम। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं सर, ये वाला ये फॉर्मूला अगर अपने लगाया है कि सर आर ओ एल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम, तो भी आई थिंक सेम ही आना चाहिए। और यहां से हम मिनिमम लेवल का अगर फॉर्मूला यूज कर ले सर,
तो रिप्लेस हो जाएगा सर। तो मिनिमम लेवल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, आर ओवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। तो सर एक फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया आर ओवल का, तो मिनिमम लेवल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मिनिमम लेवल है क्या सर, द लोवेस्ट फिगर ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस विच मस्ट बी मेंटेन्ड इन हैंड एट ऑल टाइम सो दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेटेरियल। प्लीज राइट डाउन, कैन वी से आर ओवल मिनिमम लेवल इज इक्वल टू आर ओवल माइनस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम, आर ओवल माइनस एवरेज यूसेज इंटू एवरेज लीड टाइम और एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इंटू एवरेज टाइम ऑफ इन्वेंट्री डिलीवरी। एक ही बात, तो सेम क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर वन का मिनिमम लेवल निकालो ए एंड बी का। तो सर मिनिमम लेवल ए का ऊपर अपने आर ओवल निकाल लिए नहीं क्या, 450 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना 50 यूनिट्स इनटू एवरेज, एवरेज दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो दिया हुआ है नहीं सर, 4 एंड 6 है तो 4 प्लस 6 बाय 2। तो एवरेज लीड टाइम का फॉर्मूला भी लिख लो, मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइडेड बाय। बी का सर कितना था आर ओवल 300, 50 × 3 200 एंड 150। तो सर सबसे पहले अपने आर ओवल निकालेंगे तो मिनिमम लेवल निकल जाएगा जल्दी से। लीड टाइम का जो एक्चुअली डिफरेंस इन लीड टाइम है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, डेज हॉलीडेज आएगा। एक क्वेश्चन इसके ऊपर है सेफ्टी स्टॉक के ऊपर, हम तब बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम सर क्या होगा, हाईएस्ट, इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम फिगर ऑफ इन्वेंट्री क्वांटिटी हेल्ड इन स्टॉक एट एनी टाइम, जो सबसे हाईएस्ट पहुंचा एट एनी टाइम, दैट इज व्हाट माय मैक्सिमम लेवल। और वो हाईएस्ट क्या हो सकता है सर, सर रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। मैं रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर किया तो मेरे पास अगर साथ साथ आ जाता, जैसे ही ऑर्डर किया वैसे ही आ जाता, तो मेरा मैक्सिमम लेवल क्या होता, आर ओवल प्लस आर ओ क्यू, अगर साथ साथ आता जस्ट इन टाइम, बट साथ साथ आने वाला नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो जब मैंने ऑर्डर किया आर ओवल पे और ऑर्डर क्या किया आर ओ क्यू, वो आते आते कुछ टाइम लगेगा और जब वो पहुंचेगा तब तक मैं क्या कर चुका हूंगा, कुछ मेटेरियल प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर चुका हूंगा। इसीलिए आर ओवल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर, कम और एट एनी टाइम, क्योंकि हमारा मिनिमम लीड टाइम भी है और मैक्सिमम लीड टाइम भी है। तुम पूछ सकते थे सर मैक्सिमम लीड टाइम क्यों नहीं लिया आपने, हम तो यही पूछ रहे कि मैक्सिमम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब मिनिमम होगा तो कहां पहुंचेगा मैक्सिमम, इसीलिए हम एवरेज नहीं ले रहे और मैक्सिमम नहीं ले रहे, सिर्फ मिनिमम ले रहे। और मैक्सिमम लेवल सर अगर जस्ट इन टाइम होता तो सेफ्टी स्टॉक जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया प्लस यू क्यू जो ऑर्डर किया दोनों मिला देंगे, दैट इज नॉट माय मैक्सिमम लेवल। तो इसी क्वेश्चन का जरा मैक्सिमम लेवल निकालो। सो मैक्सिमम लेवल सर अभी हम लोग ने 450 निकाला ही है प्लस आर ओ की दिया हुआ है 300, मिनिमम कितना 25, मिनिमम लीड टाइम 4, इसका 300 प्लस 500 25 × 2 650 एंड 700। तो क्वेश्चन है सर एग्जाम में फॉर्मूला में लिखे कि नहीं लिखे, ऑलवेज एडवाइजेबल कि फॉर्मूला लिखो, होना चाहिए कि जो हम करने वाले हैं लिखने वाले हैं वो आना चाहिए। खाली आंसर मत लिख देना कैलकुलेटर मार के 300 450, वैसे नहीं चलेगा। जो मैंने बताना पड़ेगा कि तुमने किसको मल्टीप्लाई किया, किसको ऐड किया, किसको माइनस किया। सो यू कैन इग्नोर फॉर्मूलाज इन द एग्जामिनेशन टू सेव योर टाइम। फिर एवरेज इन्वेंट्री लेवल बात हो गया सर, मैक्सिमम प्लस मिनिमम लेवल बाय 2।
नेक्स्ट आ जाओ सर डेंजर लेवल, लिख लो फिर भी एवरेज इन्वेंट्री लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय टू और मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू। नॉट नेसेसरी, यहां दोनों में सेम नहीं हो सकता। जब नहीं दिया होगा अपने को ना मैक्सिमम लेवल तो अपने क्या करेंगे आर ओ क्यू लेंगे। सर डेंजर लेबल क्या सर? इट इज अ लेबल एट विच नॉर्मल इश्यूज ऑफ द रॉ मेटेरियल इन्वेंट्रीज आर बींग स्टॉप्ड एंड एमरजेंसी इश्यूज आर ओनली मेड। अपने बात की सर पूरा स्टॉप नहीं होगा बट जो नॉर्मल हम प्रोडक्शन कर रहे थे वो स्टॉप कर रहे क्योंकि पता है कि मार्केट में मेटेरियल अवेलेबल नहीं, कम से कम बनाएंगे बट जो एमरजेंसी रिक्वायरमेंट है उसको तो करते रहेगा कंटिन्यू। तो डेंजर लेबल इज इक्वल टू सर एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर एमरजेंसी परचेज। वो दिया होगा लीड टाइम, दैट इज नॉट मैक्सिमम और नॉर्मल, नॉट एवरेज, दैट विल बी गिवन सेपरेटली। लीड टाइम फॉर एमरजेंसी परचेज के यहां नहीं स्टॉक है तो मुझे बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अपना डेंजर लेवल निकलेगा नहीं क्योंकि सर लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज नहीं दिया हुआ। हाँ बट इस क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक लेवल निकालने तुम लोग को बोला गया तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय टू। नेक्स्ट वन सेफ्टी और बफर स्टॉक। जैसे मैंने कहा कि सम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक मे बी केप्ट फॉर कंटिजेंसीज टू बी यूज इन केस ऑफ सडन ऑर्डर, सच स्टॉक इज नोन एज बफर स्टॉक, एक्स्ट्रा स्टॉक तुम बोल सकते इन केस ऑफ ऑड सिचुएशन, नॉट इन केस ऑफ नॉर्मल सिचुएशन। हमेशा सेफ्टी स्टॉक का जरूरत नहीं। ना सेफ्टी स्टॉक निकालेंगे कैसे सर? अपने पर डे कंजम्पशन into difference in lead time. So annual demand divided by 365 into maximum lead time minus normal lead time. Now just chart में आ जाओ, दिख रहा है ना तुम लोगों safety stock, वो जो ऊपर लिखा है वही है, इसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिख लो फिर भी। A level of extra stock that is maintained to mitigate, write down safety stock. A level of extra stock that is maintained to mitigate risk of stock outs. And what is stock outs? So bracket mein likha shortfall in raw material or packaging. A level of extra stock that is maintained to mitigate risk of stock outs, bracket start, shortfall in raw material or packaging, bracket close, due to uncertainties in supply and demand, due to uncertainties in supply and demand. Next para, adequate safety stock label permit, adequate safety stock label permit. Business operations, adequate safety stock label permit, business operation to proceed according to their plans, to proceed according to their plans. Safety stock is held when there is uncertainty in demand. Safety stock is held when there is uncertainty in demand, comma supply, when there is uncertainties in demand, comma supply or manufacturing yield. It serves as an insurance against stockouts. It serves as an insurance against stockouts.
दैट मीन्स सेफ्टी स्टॉक स्टॉकआउट को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो मैंने कहा कि सर चार्ट क्या है, अगेन जैसे अपने बात होता है कि सर रीऑर्डर लेवल इन बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम लेवल, तो अगर हम यहां पर ऑर्डर करेंगे तो फिर भी प्रोडक्शन को इश्यू होता रहेगा, ये मिनिमम तक पहुंचाएगा, फिर अपने पास पूरा क्वांटिटी आ जाएगा और ये कहां पहुंच जाएगा वापस मैक्सिमम। तो डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम आल्सो वी कैन से रीऑर्डर क्वांटिटी, हो सकता है ना, मिनिमम लेवल प्लस आर ओ क्यू जितना आया कहां पहुंचा मैक्सिमम लेवल, हो सकता है। फिर मिनिमम के नीचे जो हम मेंटेन कर रहे हैं, मैंने कहा कि ऑल द टाइम्स मिनिमम होना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा सेफ्टी स्टॉक इज आल्सो सम टाइम कॉल्ड मिनिमम लेवल और बफर स्टॉक, इसीलिए मिनिमम लेवल का भी मैंने क्या लिखा है यहां बफर स्टॉक। तो दिस इज अ चार्ट ऑफ स्टॉक कंट्रोल चार्ट, बना लो। क्वेश्चन नंबर 19, तो बट लीड टाइम करोगे क्या, अगर वो ईओक्यू पूछ रहे हैं तो ईओक्यू के फॉर्मूला में लीड टाइम आता भी कहां है? नहीं, अगर ईओक्यू पूछ रहे हैं और लीड टाइम दिया हुआ है तो ईओक्यू के फॉर्मूला तो लीड टाइम का कोई काम नहीं है। हाँ, ईओक्यू तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अरे होना चाहिए, बट वो निकालने बोल रहे हैं, तो अगर वो निकालने बोल रहे हैं तो जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। तुम लिख दो assumption assuming for EOQ lead time is zero, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, क्योंकि lead time के formula में EOQ के formula में lead time का कोई काम नहीं है। हम assumption है कि तभी applicable होगा, बट वो बोल रहे EOQ निकालो, हाँ ठीक है भैया ये EOQ है। क्वेश्चन नंबर पढ़ो ना, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये समझ में आया क्या derivative time and percentage of occurrence क्या है? प्रोबेबिलिटी मैथ्स में जो पढ़ा होगा, वो बोल रहे हैं कि मिनिमम टाइम लग रहा है 6 डेज और मैक्सिमम टाइम लग रहा है 10 डेज, और 6 डेज 75% टाइम 6 डेज में डिलीवरी हो जाएगा, 7 डेज हो सकता है 85% टाइम में डिलीवरी हो, मतलब 75% पक्का के 6 डेज में हो जाएगा, नेक्स्ट 85% में 7 डेज में आ जाए। एनुअल कंजम्पशन कितना? 54,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 9,000, कैरिंग कॉस्ट, तो ईओक्यू कितना है? 1800 यूनिट्स, और यहां यूनिट्स की जगह वो क्या बोल रहे हैं? कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा, वो पूछ रहे हैं कंपनी रिस्क ले सकता है 15%, व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड देन रीऑर्डर पॉइंट। तो सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रखेगा मुझे बताओ, दैट मीन्स वाई 7 डेज, 85% वो बोल रहा है कि मेंटेन करना है, दैट मीन्स 85% केस में मैक्सिमम लीड टाइम क्या हो गया? 7 डेज, मिनिमम कितना हो गया? 6, और मैंने सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला तुम्हें बता के रखा है, एनुअल डिमांड बाय 360, मतलब पर डे कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 7, मिनिमम लीड टाइम 6, तो सेफ्टी स्टॉक एट 15% रिस्क वुड बी एनुअल डिमांड 54,000 डिवाइडेड बाय 365 इनटू दिया हुआ 54,000 डिवाइडेड बाय 360 इनटू 7 माइनस 6, 150 कास्टिंग, दैट मीन्स 1 डे का उसे सिर्फ मेंटेन करना है एक्स्ट्रा, क्योंकि वो बोला 85% मैं मैनेज कर सकता हूं, तो नॉर्मल तो 6 ही है ना अपना, वो बोल रहे ना जनरली टेक 6 डेज, जनरली टेक 6 डेज, मिनिमम भी 6 और नॉर्मल भी 6 लिखा हुआ क्वेश्चन में। नाउ उसके बाद वो बोल रहे हैं कंप्यूट रीऑर्डर पॉइंट,
व्हाट वुड बी रीऑर्डर पॉइंट इन केस ऑफ सेफ्टी स्टॉक? अपने बोल सकते हैं सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, दैट मीन्स वी कैन से सर एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम. और एवरेज यहां पर उन्होंने कहा है कितना सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है 150, एंड एवरेज कंजम्पशन कितना? हाँ, पर डे ले जाएंगे तो पर डे कितना निकल रहा है? 150 निकल रहा है. तो एवरेज कंजम्पशन 150 इनटू एवरेज लीड टाइम 6. जनरली ऊपर 5% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक. अपना 5% रिस्क मेंटेन करने के लिए, दैट मींस टू मेंटेन 5% ऑफ रिस्क, सेफ्टी स्टॉक टू बी मेंटेन फॉर 3 डेज. तो बिग थ्री में टू मैनेज 5% ऑफ रिस्क, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. टू एज्यूम अ 5% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक वुड बी 150 इनटू 3, 450. दैट मींस 3 इज फॉर 3 डेज. बट जब क्लियरली यहां पता लग रहा है, वो बोल रहा है 5% का रिस्क मेंटेन करना, मतलब मुझे एक्स्ट्रा कितना रखना है? 3 डेज का रखना. सेफ्टी स्टॉक एक्स्ट्रा कितना? वो 7 तक दे सकते हैं, बट होगा अगर 8 हुआ तो एक दिन का शॉर्टेज होगा, 9 हुआ तो एक दिन का शॉर्टेज होगा, 10 हुआ तो एक दिन का शॉर्टेज, मतलब 3 डेज का मेरे को एक्स्ट्रा रखना. इसमें फिर उन्होंने क्या निकालने बोला? रीऑर्डर पॉइंट. तो रीऑर्डर पॉइंट कितना? सेफ्टी स्टॉक 450 मेंटेन करना है अपने को, प्लस 150 इंटू 6 कितना आता है? 1350. बिट नंबर 4 पढ़ो. तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग में अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है? एनुअल डिमांड अपना कितना है? 54,000. और पर ऑर्डर अपने कितना करेंगे? तो ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा? ईओक्यू ही होगा, और तो कुछ दिया नहीं है. दैट मीन्स हम ऑर्डर कितना करेंगे? ईओक्यू करेंगे. दैट मीन्स 54,000 डिवाइडेड बाय 1800, वो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर कितना? 9,000. 2,17,000. कैरिंग कॉस्ट सर अपने को मिनिमम चाहिए 450 हमेशा. 450 सेफ्टी स्टॉक चाहिए. और हम रीऑर्डर क्वांटिटी कितना करने वाले हैं? 1800, जो कि बाद में जाके जीरो हो जाएगा. तो डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स टोटल इन्वेंट्री टू बी कैरी ऑल द टाइम्स 450 प्लस 1800 बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज 300. कितना? 2 लाख. 2,70,000. सुनो, एक मिनट साइलेंट प्लीज. वो बोल रहे हैं 5% रिस्क, मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? अगर 5% रिस्क है तो मुझे 5% रिस्क पे कितना बना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है? दैट मीन्स 450 हमेशा रहा मेरे पास, और मैं 1800 का ऑर्डर दे रहा हूं. दैट मीन्स स्टार्टिंग में 1800, एंड में जाके ये जीरो हो गया, बट 450 रहा. तो 1800 बाय 2, दैट मीन्स एवरेज कितना हो गया? 900. टोटल मेटेरियल मेरे पास रहा 450 प्लस 900, कितना भी 1350 इंटू 300 कॉस्ट पर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. बिट नंबर 5,
पॉइंट नंबर वी में वो बोल रहा है कंप्यूटर नहीं हुई, बोले ये न्यू डेटा आया अभी हमारा, कैरिंग कॉस्ट चेंज हुआ, ऑर्डर कॉस्ट चेंज हुआ, तो मेरे को बताओ कि होगी कितना। सो न्यू यू क्यू वैसा समझो। बाकी तो चेंज जो हुआ है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट में, एनुअल कंजम्पशन रिमेन सेम, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना 600 और कैरिंग कॉस्ट 720, कितना 300 ओनली। पॉइंट नंबर बी, बीट 5 ओनली 180। वो पूछ रहे हैं हाउ फ्रिक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर एज कंपेयर टू द ओल्ड परचेजिंग पॉलिसी। सो ओल्ड पॉलिसी में कितना था सर? ओल्ड पॉलिसी में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स थे 30, दैट वाज 54,000 डिवाइडेड बाय 1800, तो ये आया था 30 ऑर्डर्स। दैट मींस हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स बीइंग प्लेस्ड, फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू ऑर्डर्स और नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू ऑर्डर्स। सो नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू ऑर्डर्स वुड बी 360 बाय 30, ठीक है ना? सो 12 नंबर ऑफ 12 डेज बिटवीन टू ऑर्डर, ये किसका था? ओल्ड पॉलिसी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी। न्यू पॉलिसी में क्या होगा? न्यू पॉलिसी में से नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू ऑर्डर्स, या पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स 54,000 डिवाइडेड बाय 300, कितना 180 ऑर्डर्स, एंड नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू ऑर्डर्स 360 बाय 180, दैट इज 2 डेज। बिट 15 का, बिट नंबर 3, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट? हाँ ये नहीं निकला। हाँ 15 का कैरिंग कॉस्ट, तो क्वेश्चन है 15 में, इसको ये कंफ्यूजन है सर, वहां दो चीज है, यो क्यू तो एक है और दूसरा एक सेकंड ऑप्शन है जहां की उन्होंने पूछा है कि टोटल कॉस्ट कितना है ना। अपना कल बात हुआ था कि कैरिंग कॉस्ट मिनिमम कब होगा, क्वेश्चन सुनो, एट ईओ क्यू, जब ऑर्डर क्वांटिटी ईओ क्यू होगा तभी हमारा कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होगा। और क्वेश्चन क्या है, वो पूछे व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, दैट मीन सर कौन से लेवल पे निकालना है? ईओ क्यू पर, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आना चाहिए था तुम लोग का। दैट मीन सर कैरिंग कॉस्ट वुड बी एट ईओ क्यू। नेक्स्ट, बाकी सब हो गया सर। आफ्टर सेटिंग अप लेबल्स, सेकेंड एनालिसिस और टू कंट्रोल द मेटेरियल इज एबीसी एनालिसिस। डोंट कंफ्यूज विथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो एबीसी कॉस्टिंग है और ये एबीसी एनालिसिस, और एबीसी सबको पता है। तो कल भी बात हुआ